मेरी मट्टी मेरी आन है तू। कोई जरूरी बात करनी थी तुमने मुझसे? जी, अपनी सहेली नूरी के मंगेतर शौकत के बारे में बहुत जरूरी बात करनी थी। शौकत? ये शौकत कौन है? नूरी तो वो नूरी पीरल की तीसरी बीवी है। पीरल साईं से निकाह से पहले वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। फिर शादी क्यों नहीं हुई उनकी? नूरी का सोतेला बाप नहीं माना, उसके सर पे पीरल का बेतहाशा कर्जा है और सूद भी। वो चाहता था कि नूरी की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो उसका सारा कर्जा उतार दे। फिर उन्हें मजबूरन भागना पड़ा। शौकत नूरी को लेकर शोरकोट गया अपने दोस्त इकबाल के पास। अगले दिन वो लोग मुल्तान रवाना होने वाले थे, पर वहीं पे स्टेशन के ऊपर मीरल के गुंडों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के यहाँ वीरल के जिरगे में ले आए कि यहीं के इलाके के हिसाब से उन्हें सजा दी जाएगी। पर वहीं पे पीरल की नीयत खराब हो गई नूरी पर, और उसने उसको पेशकश कर दी कि अगर वो उससे निकाह कर लेगी तो वो उसके बाप का सारा कर्जा भी माफ कर देगा और शौकत को भी रिहा कर देगा। इसीलिए नूरी को पीरल की बात मानना ही पड़ी और उसने निकाह कर लिया। मीरल की तीसरी बीवी नूरी है, पर नूरी की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी शौकत का किसी को कुछ पता ही नहीं। ना वो अपने दोस्त इकबाल के पास पहुंचा और ना ही वो अपने घर लौटा है। शौकत क्या कहा? किसी को कोई खबर नहीं, कोई नहीं जानता। आप ही उसको ढूंढ सकते हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, ये शौकत के घर वालों ने अभी तक उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? ठीक है, तुम लोग ये सामान की फेहरिस्त बना लो और देख लेना कोई चीज रह ना जाए। जी सरकार। सरकार के बच्चे, तुझे पता है तेरा मामा एएसपी वो असलम के पीछे पड़ गया हाथ हो के, शाम तक गिरफ्तार हो जाना है उसने। मैंने तो सुना था असलम रूपोश हो गया। बड़ी साइंस वाली बात बताई, रूपोश हो गया। और मुझे भी पता है, लेकिन वो उसका चमचा है ना सब इंस्पेक्टर असगर, उसको पता चल गया उसके गांव का। जो नहीं भी पता चला ना तो शाम तक पता चल जाना है। फिर असलम पकड़ा गया फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा सर। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, क्यों परेशान हो? वो पकड़ा गया ना, कट्टे सट्टे सारे खुल जाने हमारे। कुछ भी कर, हवेली तक इतला पहुँचा। लेकिन वो पीरल साई और मीरल तो पीसी ऑफिस गए हैं जमीनों की हदबंदी के लिए। तेको किस दस्या? वो तो काम आया है अपनी पटवारी के नाल, कोई दरखास्त लिखानी सी, उन्हें दस्या। ओए, अगर ये इतला नहीं पहुंची ना पीरल साईं तक तो गिनती उल्टी शुरू कर दे। उल्टी गिनती मतलब? और कल के अंदर मेरा मतलब है, अगर असलम पकड़ा गया ना समझ वर्दी गई। कुछ भी कर, पीरल साईं तक ये इतला पहुंचा, वरना बहुत गड़बड़ हो जानी है। जा, कुछ भी कर, इतला दे डीसी ऑफिस, जा कहीं भी जा। आज हम असलम की गिरफ्तारी के लिए रेड प्लान कर रहे हैं। दुआ करो तुम्हारे भाई का मजरूम हमारे हाथ लग जाए। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। ख्याल, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वड़े साईं ते मीरल साईं दो में कलेक्टर दे दफ्तर गए हैं जी।
और वो किधर है मेरे दिल का कांटा नूरी? सहन ओ ते अपने कमरे ची हैं जी। तिल में चुभा कांटा इतनी आसानी से नहीं निकलता सरदारी बेगम, या तिल निकाल दो या उसमें चुभा कांटा नोच के पार फेंक दो। पांच साल हो गए हैं इस हवेली में आए हुए तुम्हें, लेकिन इस कमरे में पहली बार कदम रखा है। खुश आमदीद। आ नहीं पड़ा, जंग की शुरुआत से पहले एक बार मिलना जरूरी होता है। ओ, तो बिल आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में आ ही गई। ठीक वक्त पर अपनी और मेरी सौकन को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है तुमने। ठिकाने लगाना पड़ा तो वो भी कार गुजरूगी। पहले तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या मंसूबा बनती है अपनी सौकन से निमटने की। राजा सर बहुत देर हो गई, सब गाड़ी में बैठ गए। क्या थी यही? एसपी साहब बुला रहे हैं सर। यार उनको तबीयत सही नहीं है मेरी। एएसपी साहब कह रहे थे जब तक जहानदार साहब नहीं आएंगे कोई नहीं निकलेगा। यार राने जा साहब को आख, मेरी तबीयत सही नहीं, वो जाए मैं आता हूँ पीछे। लेकिन साहब एएसपी साहब ने कहा है आपके साथ जाएंगे। चल चल आगे।
असलम यहाँ है। सर ये तो मर गए, बाजार लगता है कि असलम ने खुदकुशी की है। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। खुदकुशी नहीं, कत्ल किया गया असलम का। एएसपी, तेरी वजह से मेरा आज खास बंदा जाया हो गया है। एक एक बात का बदला लूंगा तुझसे, एक एक बात का। साईं जी, ये वो बड़े साईं ने आपको बुलाया है। बोल दो उनका काम हो गया है। जाओ। असलम है, माफ करी, मुझे माफ करी। सोचो मैं गुम हूं, इस उम्र में इतनी सोचें अच्छी नहीं होती। सोच पे कब किसका बस चलता है साईं जी। इंसान सोच की एक खिड़की बंद करता है तो अगले लम्हे कोई दूसरा रोशनदान खुल जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात की है। कौन सिखाता है तुम्हें ऐसी खूबसूरत बातें? वक्त और हालात सब सिखा देते हैं, खूबसूरत हो या बदसूरत, हैं तो दिल की बातें। झोंक से हल्की छोटी सी बस्ती में छोटे से कच्चे घर के अंदर पैदा होने वाली लड़की इतनी पक्की और गहरी बातें कैसे करती है।
ये सवाल तो अभी बाकी है प्यारी नूरी। बस्ती छोटी हो या बड़ी से क्या फर्क पड़ता है? ये बातें स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखी जाती साईं जी। जिंदगी खुद ही सब सिखा देती है। ठीक कहा। स्कूल से याद आया कि तुम्हारी सहेली सस्सी ने बस्ती का स्कूल फिर खुलवा लिया, नौकरी लग गई है उसकी। जवान भाई की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी किसी को तो संभालनी थी। अब सस्सी ही चाचा कमाले की आखिरी उम्मीद है। बात तो ठीक है लेकिन बात बच्चों की पढ़ाई तक ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इनके दिमाग में अजीब और गरीब कीड़े जन्म लेने लगते हैं, बगावत के कीड़े। बस ख्याल रहे स्कूल में भी कोई बागी पैदा ना हो जाए। बागी होने के लिए किसी को चार जमातें पढ़ने की हाजत नहीं होती साईं जी। बगावत हमेशा जुल्म के खिलाफ उठती है। तालीम तो बस उस बगावत को रास्ता दिखा देती है। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। अच्छा लगा तुम्हें यहां देखकर। लाश का पोस्टमार्टम हो गया? जी जनाब, लाश कल रात ही जिले हेडक्वार्टर के अस्पताल भिजवा दी थी पोस्टमार्टम के लिए। क्या रिपोर्ट आई? साहब वो असलम की अपनी पिस्तौल से गोली चली है, वही जो बॉडी के पास पिस्तौल मिला। और फिंगरप्रिंट्स? फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आने में तो हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे जनाब। रिपोर्ट बड़े शहर की लेबॉरट्री से आएगी, यहाँ आसपास के किसी भी ज़िले में ऐसी सहूलत मौजूद ही नहीं। इस डिस्ट्रिक्ट के तो सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम भी सरसरी तौर पे होता होगा। बॉडी को मुल्तान भेजना पड़ेगा फॉरेंसिक के लिए। जी जनाब, ऐसा ही है। मुझे असलम के कत्ल के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। तुम दोनों दिन रात एक कर दो, मुझे इसकी मौत के पीछे की साजिश जाननी है। जाता था हुक्म साहब। ये इसका कोई घर वाला नहीं है, कोई करीबी रिश्तेदार? उसका कोई करीबी नहीं है जनाब। मैंने हवेली में भी खबर भिजवाई थी जहां वो मीरेल के लिए काम करता था कि आकर लाश ले जाए तदफीन के लिए, लेकिन उन्होंने तदफीन करने से इनकार कर दिया और कहा है कि अगर पुलिस चाहे तो उसे खुद लावारिस समझ के दफना सकती है। उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया? जी जनाब, हालांकि असलम ने उधर बरसों उनके लिए काम किया। यही तो बात है असगर, ये जो जागीरदारों के अंधे वफादार है ना, अगर इन्हें इस बात का एहसास हो जाए ना कि इनकी अंधी तकलीद और वफादारी इनके बुरे वक्त में किसी काम नहीं आनी, तो शायद दूसरा असलम पैदा ही ना हो।
क्या असलम मर गया? वो ऐसे कैसे मर सकता है? अभी तो उसने अपने हर किए का जवाब देना था, मेरे मासूम भाई पे लगे हुए इल्जामात को धोना था, वो ऐसे कैसे मर सकता है? ये सच है कि पुलिस ने कल उसके घर पे छापा मारा और वो उनको वहां मुर्दा पड़ा मिला। पुलिस ये शक जाहिर कर रही है कि असलम ने गिरफ्तारी के डर से खुदकुशी की है, अपने ही पिस्तौल से खुद को मारकर। नहीं अब्बा नहीं, असलम जैसे लोग इस तरीके से खुद अपनी जान नहीं लेते, खुद मौत को गले नहीं लगाते। मुझे इसमें भी इन्हीं जागीरदारों की कोई साजिश लगती है। असलम मर चुका है थी, शायद पुलिस ये मुकदमा बंद कर दे, क्योंकि जीवन के मुकदमे का मरकजी मुल्जिम असलम था। नहीं, मैं अपने जीवन के मुकदमे को इस तरीके से बंद नहीं होने दूंगी। मैं कुछ करूंगी, मैं एएसपी साहब से बात करूंगी, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ये सब कुछ भी तो एएसपी साहब की मेहरबानी से हुआ है, वरना बात यहां तक कभी ना पहुंचती अगर वो असलम का पीछा न करते। असलम की मौत से कुदरत ने जीवन का आधा इंसाफ तो कर ही दिया है। मेरे दिल से अरसलान साहब के लिए दुआ ही निकलेगी। जी वड़ी सैन, वो आप क्या बात है सैनिये, तेरी कैंची की तरह चलती हुई जबान रुक क्यों गई? नहीं वड़ी सैन, वो मैं तो क्या हाल बना लिया तूने अपना सैनिये, किधर गया तेरा वो रंग रूप? तू तो हवेली में चलती थी तो बड़ी लश्कारे मारती थी, कुछ सिखाई है क्यों? गरीब औरत का लश्कारा ज्यादा दिन चमक नहीं देता छोटी सैन, जमाने की हवा से जल्दी ही बुझ जाता है। अरे औरत का लश्कारा सोने चांदी के गहनों और जरी बनासी के कपड़ों से चमकता है। देखो क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, आज भी तुम किसी से कम नहीं हो। मुझ जैसे नौकरानियों के पास सोने चांदी के गहने और जरी बनारसी के कपड़े कहाँ से आएंगे बड़ी सैन? मुझे तो आप जैसों की उतरन ही मिल जाए तो वो भी गनीमत है। इसीलिए तो बुलाया तुझे। रख अपने पास, ये सारे गहने तेरे लिए, आज से तेरे। ये सारे मेरे हैं सैन जी? हाँ ये सब तेरे हैं, और भी बहुत कुछ मिल सकता है, मगर तुमने एक छोटा सा काम करना है हमारे लिए, मामूली सा। कैसा काम बड़ी सैन? मीरल सिंह आ गए हैं, खुशामदीद मीरल सिंह, खुशामदीद। मुझे आपका हुक्म मिला कि आप स्कूल के दौरे पर तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं थोड़ा चला आया सही। हाँ शाहजी, मैंने सोचा अपने इलाके के काउंसलर को चलकर खुद शाबाशी दूं, आखिर इतनी मेहनत जो की है स्कूल खुलवाने में। जी 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 सही, बतौर काउंसलर ये मेरा फर्ज था सही, इलाके के बच्चे स्कूल आए। शाबाश, तो फिर हम बाहर खड़े क्या कर रहे हैं, अंदर चलकर मुआयना करते हैं। आए तशरीफ लाएं सही, बिस्मिल्लाह, आए आए तशरीफ लाएं सही, आए। ए ए बे ए ए बे ए ए चंदा मामा दूर के
पूड़े पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में। मुन्नी जी, वो काउंसलर साहब आए हैं स्कूल के दौरे पर, उनको भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दी, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। अब्बा जी का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मीरल सिंह आए हैं स्कूल के दौरे पर। और मीरल सिंह ने मेरे से वादा किया है कि हमारे स्कूल के लिए नए कमरे डलवा देंगे, बच्चों के लिए कापियां किताबें हर साल मिला करेंगे। बच्चों आप क्या पढ़ रहे हो? हैं? वाह भाई वाह, बच्चे तो पढ़ रहे हैं। तो आप बेटा, आप क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? हैं? दिखाओ मुझे। तू जीवन दी बहन है ना, क्या भला सा नाम था तेरा? सस्सी। जीवन की बहन हूं, वही जीवन जिसे बड़ा दुख हुआ तेरे भाई के मरने पर। हवेली का बड़ा वफादार मुलाजिम था, बल्कि मुझसे तो कहने लगा एक दिन कि साईं, मैं अब्बा ते भैन को लेकर हवेली के पिछले क्वार्टर में आना चाहता हूं। बेचारा। खैर, अगर तू अपने अब्बे के साथ आना चाहती हवेली तो आज ही आ जा। नहीं, हम अपने घर पे ही ठीक हैं। तेरी मदद करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि तू जीवन की बहन, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक आ जाना मेरे पास, मुझे खुशी होगी। हाँ, एक चीज की जरूरत तो है और हमेशा रहेगी। हाँ हाँ बोल, एक बार फरमाइश करके देख। मेरा भाई मुझे वापस लौटा सकते हो? नावर डिजाइन ना, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी को पता चल गया तो पीरल सही मेरी चमड़ी उतरवा कर। कैसे पता चलेगा किसी को? ये राज इसी कमरे में दफन रहेगा। पर छोटी सैन जी, सोच लो, तुम्हारी सारी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। इतना तुम्हें दूंगी कि तुम्हारी सात नस्लें भी खाएंगी ना तो कम नहीं होगा। काम तो हम किसी और से भी करा सकते, मगर याद रखना, हमारा राज जान लेने की पदाश में तुम्हें हम जोगी सपेरे से डसवा भी सकते हैं। पर ये सब होगा कैसे छोटी सैन? तू उसकी फिक्र ना कर, हम तुझे बताएंगे। बस जो जो हम कहते हैं वो कर दीजा। करना क्या होगा मुझे? जोगी सपेरे को जानती हो ना, वो ही जो कभी कभार बस्ती में सांपों का तमाचा लगाने आता है और झोकसियाल से आगे वीराने में खाना बदोशों की बस्ती में रहता है। जी सैन जी, एक आध बार पीरसाई ने उसको हवेली में
हाँ पकड़ने के लिए बुलाया था। हाँ वही जोगी सपेरा, उससे जाके मिल, वही काम करेगा ये। उस्तानी जी, मीरल सिंह हमारे पुराने मेहरबान हैं, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अब स्कूल के सारे मसले हल हो जाएंगे। जी शुक्रिया। रास्ता छोड़ो मेरा। तेरा हर रास्ता मुझसे ही होके गुजरता है। आखिर चाहते क्या हो तुम? सीधी बात करूं, आ गई है तू मुझको, दोस्ती करना चाहता हूं। दोस्ती कर ले मुझसे, बड़े फायदे में रहेगी। इससे तो बेहतर है कि मैं खुद को फांसी का फंदा लगाकर मर जाऊं। बस सही, शुक्र कर के मैं तुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, वरना मीरल जिसको पसंद कर ले उसको उठवा लेता है। क्या करूं, तू चीज ही ऐसी है, ऐसी अदा मैंने झोंक से हल्की किसी लड़की में नहीं देखी। मुझे यहाँ की मजलूम और मजबूर लड़कियों की तरह मत समझना, जो तुम्हारे धमकियों से डर जाएंगी या फिर तुम्हारी लालच के जाल में फंसकर तुम्हारी बात मान लेंगी। अच्छा तो फिर तू क्या करेगी? वक्त पड़ने पर जान ले भी सकती हूँ और मजबूर होने से पहले जान दे भी सकती हूँ। कोई गलत फहमी मत रखना। वाह मजा आ गया। इसका मतलब मेरा अंदाजा तेरे मुतल्लक बिल्कुल ठीक था। तीखी मिर्ची है तू, ठीक 3-4 दिन अपनी मर्जी से चीले, उसके बाद तुझे खुद पता चल जाएगा कि मीरल की हाँ में हाँ मिलाने में निजात है। वरना वरना क्या करोगे? वो ही जुल्म जो तुम्हारे बाप ने मेरी सहेली नूरी के साथ किया है। मट